Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is related to Indian Contract Act. In the last previous class of Indian Contract Act, we have already discussed about Section 23 of Indian Contract Act. उसमें मैंने introduction और एक point discuss किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा वो lecture देख लिया होगा. अगर आपने मेरा वो lecture नहीं देखा और उसके आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस लेक्चर को सुन सकते हो. चलिए आज का लेक्चर जो है फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास में हमने फॉरबिडन बाय लॉ का प्रोविजन डिस्कस कर लिया था. अब की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? देखिए वो है फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब होता है जब फॉरबिडन की आप बात करते हो तो उसके अंदर आप मान के चलिए कि पनिशमेंट भी होगा और उसमें फाइन भी हो सकता है. कोई कंपलसरी नहीं, इन दोनों में से कोई भी पनिशमेंट हो सकती है. जैसे कि आप आईपीसी का एग्जांपल लो. जब आप बात करते हो डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, इसका एग्जांपल आप क्या लोगे? मान लीजिए एक गांव है, इसके अंदर सरपंच का इलेक्शन हो रहा है. वह सरपंच के इलेक्शन के लिए बी है, ए आता है, वो बी के साथ कांटेक्ट करता है कि मैं आपको 5 लाख रुपीस दे रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए सरपंच बन जाइए, 2 साल तक आप सरपंच रहिए और 3 साल तक जो है वो मुझे बना दीजिए. इस प्रकार का अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, दैट एग्रीमेंट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ. लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है. लॉ कहता है कि जो सरपंच बनेगा वही जो है सारा का सारा एक्ट संभालेगा. तो जो पंचायती राज एक्ट होता है उस एक्ट के तहत अगर इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा. वॉइड एज पर पंचायती राज एक्ट. उसके तहत ये वर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा. तो जो टर्म होता है फॉरबिडन बाय लॉ वो पूरी तरह से डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ से डिफरेंट है. उस सेंस में कि जो पहला केस होता है फॉरबिडन बाय लॉ होता है उसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो होंगे वो लॉ के अगेंस्ट होंगे, उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन भी रहेगा. लेकिन जो सेकेंड लॉ है उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रॉडुलेंट. लास्ट क्लास में इस पॉइंट को मैं लिखना भूल गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है. फ्रॉड, सिंपल वर्ड में फ्रॉड कर रहे हैं. फ्रॉड को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 17 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फ्रॉड को डिफाइन किया गया है कि जहां पर पार्टीज जो है एग्रीमेंट कर लेती है फ्रॉड के बेस पर कि हम थर्ड पर्सन के साथ एक फ्रॉड करेंगे तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा. इसके अंदर आप कह सकते हो इंटेंशन टू डिसीव भी आ सकता है. इंटेंशन टू डिसीव भी इंक्लूड हो जाएगा कि किसी दूसरे को धोखा देने की आपकी मंशा है. ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक्ट है वो क्या हो जाएगा? वो अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा. अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा. जब एक्ट अनलॉफुल है तो वो क्या होगा, यानी कि उसका पर्पज ही क्या है? अनलॉफुल है. पर्पज मीन्स ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा. आदि है इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तरह समझ लीजिए. मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ए क्या करता है? ए एक एग्रीमेंट अपने आप फिक्सीशियस एग्रीमेंट है. फिक्सीशियस का मतलब है काल्पनिक एक संपत्ति है. काल्पनिक संपत्ति में के बारे में एक एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं प्रॉपर्टीज को उसको उसके बाद एग्रीमेंट करता है बी के साथ कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाने लग जाता है. रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर देता है. तो ये क्या है? ये फ्रॉडुलेंट तरीका है. जब जो प्रॉपर्टी है ही नहीं उस प्रॉपर्टी का आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हो सेल परचेज का, तो वो जो है वो फ्रॉड के बेस पे फ्यूचर में उस एग्रीमेंट को आप ये कह दोगे कि वो डिक्लेयर किया जाएगा. ठीक है, तो जब आप इस प्रकार का एग्रीमेंट करते हो तो
इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है एक इंजरी नहीं कर रहे हो। सेक्शन 23 का अगर मेन ऑब्जेक्ट की आप बात करते हो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 23 इज टू शुड नॉट सेक्शन 23 कहता है कि द पर्सन शुड नॉट इंजर द थर्ड पार्टी, इंजर द थर्ड पार्टी। जब भी फ्रॉड की आप बात कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी को इंजरी अगर हो रही है, तो आप उसके अंदर ये मानोगे कि फ्रॉड किया गया है, वो अल्लाहफुल माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ जो है मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को डिफेम करना चाहते हैं, और तीसरे व्यक्ति को ये लगता है कि उसके फेवर में बात कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इस प्रकार के कोई भी एग्रीमेंट जो है वो किसी तीसरे पार्टी को अफेक्ट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट अनलॉफुल होंगे। ये फ्रॉड का पॉइंट नहीं है, ये एक सिंपल पॉइंट है कि मान लीजिए ए और बी वांट टू डिफेम सी, ए और बी जो है सी को डिफेमेशन करना चाहते हैं, बोथ हैव डन एन एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। क्योंकि अगर आईपीसी की भी बात करते हो तो ये क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, तो अनलॉफुल एग्रीमेंट में शुड नॉट इंजर द थर्ड पार्टी। कोई भी एग्रीमेंट है इसमें थर्ड पार्टी की इंजरी हो रही है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। इस तरीके से कुछ एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये मैं लास्ट क्लास से रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल करवा रही हूँ, जो आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए, कि मान लीजिए ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्रॉपर्टी सी को भेज देंगे, लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ए एंड बी बोथ आर प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी की वो डीलिंग करते हैं सी के साथ, टू विच दे हैव नो अथॉरिटी, जिसके लिए दे हैव नो अथॉरिटी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो सेल कर रहे, इसका मतलब फ्रॉड का काम कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। जब अनलॉफुल हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सॉरी वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कि एक एग्रीमेंट किया गया कि हम कोई भी क्राइम करेंगे, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि दोनों मिलकर एक क्राइम करेंगे, तो वो क्राइम करना क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, सो इट इज़ अनलॉफुल एंड द एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, ए और बी है पार्टनरशिप फर्म को डिज्यूल कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म है इनके पास, मिलकर डेजोल्यूशन करते हैं टू इफेक्ट द राइट ऑफ थर्ड पार्टी के राइट को इफेक्ट कर सके, तो ये एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये है आपका पॉइंट। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट करते हैं वो है इमोरल एक्ट कौन सा होगा। देखिए मौजूदा टाइम में लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट है, हम सभी जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन जिस टाइम में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था उस टाइम में ये क्या था, इमोरल एक्ट था, अनैतिक एक्ट था। तो उस टाइम अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि ए और बी दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या माना जाता था, वॉइड माना जाता था, इमोरल था। लेकिन एट प्रेजेंट इट इज नॉट इमोरल, एट प्रेजेंट ये इमोरल नहीं है, इमोरल की कैटेगरी में ये नहीं आता है। तो इमोरल क्या है, वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये डिपेंड करेगा द सर्कमस्टेंसेस एंड द सिचुएशंस, इट टोटली द इमोरल कंसेप्ट, द इमोरल डिसाइडेड बाय कोर्ट्स, कोर्ट्स के द्वारा डिसाइड होगा, और किस ग्राउंड पे होगा कि एज पर द सर्कमस्टेंसेस, एज पर सर्कमस्टेंसेस एंड चेंजिंग इन कल्चर,
चेंजिंग इन कल्चर, कल्चर में कुछ बदलाव आ रहा है, जैसे लिव इन वाला एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से आप ये कहोगे ये क्या है कंसेप्ट आपका, क्या माना जाएगा इसको कि मौजूदा टाइम में इमोरल की कैटेगरी में ये फॉल नहीं आता। लेकिन आज के टाइम में अगर एक आदमी है 15 साल की उसकी लड़की है, वो कॉन्टेक्ट कर लेता है बे के साथ कि वो उसकी बेटी को उसके पास भेज देगा कंक्यूबिनेज, कंक्यूबिनेज के लिए, तो वो क्या माना जाएगा, इमोरल माना जाएगा, ये इमोरल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका इमोरल का कंसेप्ट। अगर इमोरल की आप बात करते हो तो इमोरल में इमोरलिटी ऑफ लॉ को जो है कि केस में डिफाइन किया गया है, इमोरलिटी ऑफ लॉ को केस में डिफाइन किया गया, केस का नाम है गेरूलाल पारेख, उसको मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगी। इसमें कई प्रकार के केसेस जो है डिस्कस किए गए, कई प्रकार के फैक्ट्स जो है डिस्कस किए गए हैं, तो ये एक लैंडमार्क केस है, इसको जो है आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में क्या आएगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है, पब्लिक पॉलिसी मीन्स वेलफेयर ऑफ पीपल, पब्लिक पॉलिसी मीन वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई करना। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो लोगों की भलाई के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम विदाउट मास्क ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में विदाउट मास्क रहेंगे, तो ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर कुछ कोर्ट ने या कुछ जो है आप कह सकते स्टेट ने कुछ गाइडलाइंस दी, उस गाइडलाइंस को नॉट फॉलो करना, ये क्या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये अनलॉफुल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, और जो एग्रीमेंट है वो क्या बन जाएगा, आपका वॉइड बन जाएगा। तो हालांकि अगर आप पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन की बात करो तो नो डेफिनेशन हैज गिवन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो वेग है। वेग का मतलब ये है कि क्लियर नहीं है कि क्या होगा पब्लिक पॉलिसी में, या आप कह सकते हो ये एम्बिगियस है, मोर देन वन मीनिंग निकलते हैं इसके, एम्बिगियस है मतलब मोर देन वन मीनिंग निकलते हैं इस डेफिनेशन की, तो इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट जो मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको पॉइंट कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये है पब्लिक पॉलिसी का रिलेटेड आ गया। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी की अगर आप बात करते हो कि एग्रीमेंट आपने कर लिया कि आप जो है फॉल्स एविडेंस दोगे किसी के अंदर, किसी केस के अंदर, वो भी क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, वो भी पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कुछ एक आइडिया हो जाएगा आपको। जैसे ट्रेडिंग विद एनमी के साथ ट्रेड करना, एनमी का मतलब एनमी कंट्री, जिस कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है उसके साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। ठीक है, सेकंड सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, सरकारी ऑफिस को बेचने का, जो कुछ आप काम कर रहे हो वो हालांकि लॉ के हिसाब से भी गलत है लेकिन वो भी इंजरियस टू पब्लिक है, इंजरियस टू पब्लिक, तो ये भी क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो इससे रिलेटेड एक केस का नाम है, वो थोड़ा सा माइंड में रखिए, भगवान दास वर्सेस
राजा राम। इसमें क्या था, इसमें था कि दो व्यक्ति के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि आप जो है फॉल्स एविडेंस दे दोगे, एग्रीमेंट टू फॉल्स एविडेंस, एग्रीमेंट टू फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस के लिए एक एग्रीमेंट किया गया तो ये भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लो किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा। और कौन से एग्रीमेंट है जो वॉइड माने जाएंगे, अदर वॉइड एग्रीमेंट, वो अदर एग्जांपल्स, जैसे कि मेंटेनेंस जो है, एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो भी क्या है, वो वॉइड माना जाएगा। किसके रेफरेंस में, एग्रीमेंट टू मेंटेन फॉर लिटिगेशन। एक आदमी है ए, वो बी को कहता है कि मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा तो सी के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दे। इस प्रकार का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड की कैटेगरी में ये आ जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट टू इंडेमनीफाई, एग्रीमेंट टू इंडेमनीफाई एश्योरिटी। कोई किसी की श्योरिटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, किसके संदर्भ में, कि मेरी बेल करवा दो। एग्रीमेंट करता है कि तुम मेरी बेल करवा दो, अगर बाद में भाग भी गया तो आपको कुछ पेमेंट दे दूंगा, तो वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, मैरिज एग्रीमेंट, मैरिज के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया, वो भी वॉइड माना जाएगा, क्योंकि मैरिज तो एक सैक्रामेंट है, कुछ रीति रिवाज परफॉर्म किया जाता है, दो फैमिलीज के बीच में रिलेशन है। ठीक है, एग्रीमेंट एग्रीमेंट अफेक्टिंग फ्रीडम ऑफ मैरिज। एक एग्रीमेंट कर लिया कि आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, वो भी क्या है, वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलिस, मोनोपोलिस का मतलब होता है एक अधिकार। अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि सारे के सारे बिजनेस पे उसी का कंट्रोल हो जाए, मान लीजिए मोबाइल से रिलेटेड जियो कंपनी ये चाहे कि मैं सारी कंपनीज को परचेज कर लूँ, खरीद लूँ, और उसके बाद सारा का सारा मोबाइल से रिलेटेड वर्क उसी के हैंडल में आ जाए, तो वो भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्टेट पॉलिसी एग्रीमेंट वायोलेटिंग डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका क्या एग्जांपल होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल की हम बात करें। तो हम बात करते हैं इसके एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कंपनी के साथ एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी कंपनी का एग्रीमेंट हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट है और एक कंपनी है, इन दोनों का एग्रीमेंट है। कंपनी कहती है कि ये पर्टिकुलर दायरा जो है यहाँ पर आप इसे जो है म्यूनिसिपल एरिया में मत रखिए, म्यूनिसिपल एरिया में इसे मत रखिए। तो इस प्रकार का अगर एग्रीमेंट होता है तो वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, और इस एग्रीमेंट का कोई भी आप ये नहीं कह सकते वैल्यू रहेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के लेक्चर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस, क्या उसमें हेल्ड किया गया था, क्या बताया गया था, उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या था, कैन एन एग्रीमेंट अदर देन दोज नॉट सो फार डिक्लेयर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर वॉइड, कि क्या मान लीजिए कोई ऐसा एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है लेकिन वो पब्लिक को के वेलफेयर को डैमेज कर रहा है, तो क्या उसको वॉइड मानेंगे। तो इसके लिए केस का नाम है आपका गेरूलाल पारेख। ये नाम की स्पेलिंग में थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि अलग अलग केसेज होते हैं, उसमें पुराने टाइम में जो नाम चल रहे थे वही ऐड कर रही हूँ मैं। पहले मैंने पारेख की अलग स्पेलिंग लिखी थी, अब कुछ और लिख रही हूँ। महादेव दास, इस केस में एक तो इमोरलिटी ऑफ लॉ के बारे में बात किया गया। क्या पॉइंट डिस्कस किया गया, इमोरलिटी ऑफ लॉ।
इसको डिस्कस किया गया था। फिर इसमें ये बात कहा गया था कि जो भी एग्रीमेंट होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसका ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट ना हो। ये कहा गया कि द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, ये बात इसमें कही गई, ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रखा है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट इमोरल, ऑब्जेक्ट इज नॉट इमोरल, फिर इफ एनी एग्रीमेंट, इफ एनी एग्रीमेंट अफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ पीपल, द वेलफेयर ऑफ पीपल इट इज डीम्ड, डीम्ड अपोज्ड टू, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड माना जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से क्लियर कर दिया कि आप किसी प्रकार का ऐसा बिजनेस चूज कर लेते हो जो आपको लगता है कि पब्लिक पॉलिसी में फॉल नहीं करेगा, लेकिन वो वेलफेयर ऑफ पीपल, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, वेलफेयर ऑफ पीपल होता है, वो उसको इफेक्ट कर रहा है, तो वो ये माना जाएगा कि वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट आपका अनलॉफुल होगा एज पर सेक्शन 23 और डिक्लेयर्ड एज वर्ड वर्ड डिक्लेयर होगा। तो ये है हमारा आज का सेकेंड जो पार्ट है इसका, लॉफुल कंसीडरेशन का, जिसको मैं अच्छे से कवर अप करवा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।